रियल स्टेट इंडस्ट्री ये उस मुकाम पर खड़ी है जहां पर सरकार काफ़ी कोशिश कर रही है जो गाड़ी पटरी से उतरी है उसको तेजी के रथ पर सवार किया जाए, और दूसरी तरफ बिल्डर्स भी काफ़ी कवायद लगा रहे हैं कि जो डिलीवरी का मामला है जल्द से जल्द दी जाए और जो आने वाला समय है वो रियल स्टेट इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा हो। लेकिन 2018 रियल स्टेट के लिए कैसा होगा, रेंटल पॉलिसी को लेकर जो सरकार काम कर रही है कैसी होनी चाहिए, इन पूरे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं गीतांबर आनंद और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं जैक्से शाह। सर स्वागत आपका जी मीडिया में। गीतांबर जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ, हमने डीमोनेटाइजेशन देखा, इंडस्ट्री ने पूरा रिस्पॉन्स किया, हमने रेरा आया, हमने वो फेस भी देखा कि जब रेरा आने के बाद काफ़ी विरोध भी हुआ लेकिन अब चीज़ें स्मूथ हो रही हैं। लेकिन अब जीएसटी को लेकर काफ़ी चीज़ नहीं आ रही है कि डेवलपर्स चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ इसमें बदलाव होना चाहिए, सर आखिर क्यों ज़रूरत पड़ रही है ऐसी? जो जीएसटी में जो लैंड को लेस किया गया है पूरे भारत में एक ही फॉर्मूला लगाया गया है, जहाँ ज़मीन के भाव ज़्यादा हैं वहाँ भी वही फार्मूला, जहाँ ज़मीन के भाव बिल्कुल कम है वहाँ भी वही फार्मूला। तो हमारा ये सरकार से कहना है कि ये एक जो आपने 33% लैंड को कम किया है जीएसटी में से, आप कैसे ये मान सकते हैं कि बम्बे में भी 33% की लैंड है और मान लीजिए नासिक में भी 33% लैंड कंपोनेंट है। एक सीधा फॉर्मूला अगर आप लगाना चाहते हैं लैंड का वैल्यू लेस करने के लिए, तो आप जो आपका रेडी रेकनर रेट है या जो आपका सर्कल रेट है उसको लेस कीजिए ताकि कस्टमर को जीएसटी उतना कम लगे। तो ये सब हमारे सुझाव हैं। मानना ये है कि जैसे आपने कहा सरकार चाहती है कि ये इंडस्ट्री आगे बढ़े, काम चले, क्योंकि आज हमने सुना 5 करोड़ लोगों को नौकरी देती है रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन, मतलब 5 करोड़, एक घर में 5 आदमी अगर हो तो 25 करोड़ हिंदुस्तानी इस इंडस्ट्री से, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट से संबंध रखते हैं, कनेक्टेड हैं अपनी रोजी के लिए। मतलब 20% हिंदुस्तान की जो आबादी है वो हमारे सेक्टर से और कंस्ट्रक्शन से प्रभावित है, इन्फ्लुएंस्ड है और अपनी लाइवलीहुड कमाती है। अगर इस इंडस्ट्री को ये छोटे छोटे जो रोज़ हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम, कभी जीएसटी की प्रॉब्लम, हम अपने काम पे कब फोकस करें? जैसे मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग, हाउसिंग फॉर ऑल, जो एक सपना संजोया गया था कि 2022 तक, लेकिन अब उस पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। डेवलपर्स चाह रहे हैं कि हम काम करना चाहते हैं लेकिन हमें अब काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा तो दे दिया लेकिन क्या चीज़ें वैसी स्मूथ है जिस तरह से एक डेवलपर चाह रहा है उस चीज़ के लिए? विदाउट प्रेजुडिस मैं आपको बता सकता हूँ, जब प्रधानमंत्री जी ने बोला कि 2022 में हाउसिंग फॉर ऑल, तब लोग हंस रहे थे। कम से कम ये स्थिति आज है कि वो अचीवेबल है, तो उससे तो मानना पड़ेगा ये कुछ सिंसियर एफर्ट कर रही हैं, इंटेंशन सरकार के सही हैं। मतलब कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में जो सीरियसनेस जो ऊपर तक है वो ट्रांसलेट होके नीचे तक नहीं जा रही है। देर आर आइलैंड ऑफ एक्सेलेंस एवरीवेयर, लेकिन एक उसको सही, इस सब मोती को एक धागे में तो परोना पड़ेगा, एक लास्ट माइल एफर्ट तो करना पड़ेगा, वो करना है हाउसिंग मिनिस्ट्री को, हाउसिंग अफेयर्स मिनिस्ट्री को करना पड़ेगा। क्योंकि सब जगह आप देखिए, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे दिया लेकिन उसके बाद उसमें जो हमको एफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जो प्रावधान मिलने चाहिए वो नहीं है। उसका आगे जाके RBI फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आज मुझे लैंड में एफोर्डेबल हाउसिंग में लैंड में फाइनेंस चाहिए, नहीं मिल रहा है। क्या स्टेप उठाने चाहिए सरकार को, किस तरह का एक नया इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि जो हम एक रूटीन वर्क की तरफ पहले इंडस्ट्री थी और जो अभी हालात खराब हुए पिछले 3 से 4 सालों में और जो नए टारगेट फिक्स किए गए, हमें क्या करना चाहिए? देखिए गौरव जी, इज ऑफ डूइंग बिजनेस, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, हाउसिंग, UD, ULB, PMO, PMAY, RBI गाइडलाइन, ये सब पूरा हो गया। एक फादरली फिगर अप्रोच फ्रॉम द हाउसिंग इंडस्ट्री करना पड़ेगा। कौन लीड करेगा, कौन इस सब को ब्रीज करके आगे ले जाएंगे? हाउसिंग इंडस्ट्री को आगे आना पड़ेगा। यहाँ हम बैठे हैं, आप लैंड, आपको अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट करना है, या तो हम PPP मॉडल दे रहे हैं या आपको पैसा दे रहे हैं, आप प्रोजेक्ट शुरू करो। आपको CLSS में, MIG में आपको सब्सिडी चाहिए, हम उसका क्लैरिफिकेशन आज दे रहे हैं। NHB में आपने पैसा डाला है, उसका क्लैरिफिकेशन फाइन प्रिंट बजट में हमको चाहिए। कस्टमर को कैसे आगे ले जाए,
लैंड अबेटमेंट कैसे रैशनलाइज किया जाए। गीतांबर जी, मैं आपसे ये चीज़ समझना चाहता हूँ कि सरकार रेंटल हाउसिंग रेंटल पॉलिसी पे काम कर रही है, सरकार भी चाहती है कि देश में एक यूनिफॉर्म रेंटल पॉलिसी हो, एक राउंड खत्म हो चुका, दूसरे की तैयारी चल रही है। क्या आपको लगता है कि एज अ डेवलपर या एज अ क्रेडाई आपको क्या लगता है कि कैसी पॉलिसी होनी चाहिए ताकि इस इंडस्ट्री को जो इससे जुड़ा हुआ हो, चाहे वो डेवलपर हो, चाहे कोई एक टेनेंट हो, चाहे दुकानदार हो या कमर्शियल हो, कुछ भी हो, कैसी पॉलिसी होनी चाहिए? देखिए, रेंटल हाउसिंग को प्रमोट करने के लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये है, मान लीजिए कि एक प्रोजेक्ट है जिसमें हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसमें 500 करोड़ की लागत आई है, अब उसको रेंट पे देने के लिए और फिर उसमें रेंट शुरू होने के लिए वक्त लगता है, जो कि एक डेवलपर के पास नहीं है, ना वक्त है ना पैसा है। उसमें हमको एक इंटरनेशनल फंड FDI लाना पड़ेगा या कोई डोमेस्टिक पैसा लाना पड़ेगा जो कि हमारे को सपोर्ट करेगा। अब उसको पैसा लाने में क्या रुचि है? जब तक के रेंटल हाउसिंग या रेंटल इनकम पे कोई टैक्स बेनिफिट नहीं देगी गवर्नमेंट, मान लीजिए रेंटल हाउसिंग आई तो उस पर फंड को जब तक ये नहीं नज़र आएगा कि अगर मैं यहाँ पैसा लगाता हूँ जो रेंट आएगा उसमें मुझे कुछ टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो वो पैसा क्यों लगाएगा? जैसे एक चीज़, अभी हाल में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि देश के 7 बड़े शहरों में लगभग 440,000 अनसोल्ड इन्वेंट्री है। क्या आपको लगता है कि ये मंदी के साइन जो अभी पिछले 3-4 सालों से दिखाई दे रहे थे वो स्टिल अभी वैसे के वैसे ही हैं, या उससे निकलने के लिए हमें कुछ प्रयास करने चाहिए, या वो जो एक क्वेश्चन बना हुआ है क्या वो बायर्स के लिए एक अच्छी ऑप्शन? अगर आप बता रहे सर्वे का, तो हमें 4 आंकड़े जो आए, आपको सबको पता है, सब सेल्स बढ़ी है, इन्वेंटरी कम हुई है, अनसोल्ड इन्वेंटरी तो ये है। तो मेरे हिसाब से ये हमको भी काफ़ी मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा एक बड़े से सर्वे करने से पहले, क्योंकि आपका अकेले का नुकसान या किसी का नहीं, ये सबसे बड़ा नुकसान अगर आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो कंज्यूमर का है। गीतांबर जी, अगर मैं ये चीज़ समझना चाहूँ कि रियल एस्टेट पिछले 3-4 सालों से मंदी से गुजर रहा है, प्राइसेस अगर मैं कहूँ थोड़े से कम तो हुए ही हैं, बिल्डर्स भी चाह रहे हैं अनसोल्ड इन्वेंट्री जो है जो पड़ी हुई है थोड़ा सा कम भी हो, लेकिन 2018 ये साल आपको रियल एस्टेट मार्केट के लिए कैसा लगता है? क्या आपको लगता है कि जो बड़े इन्वेस्टर पहले थे वो बिल्कुल गायब हो चुके हैं, एंड यूजर की डिमांड आज भी है, लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर है क्या वो मार्केट में वापस आएंगे इस साल में? देखिए, हमेशा हमने कहा एसोसिएशन की तरफ से कि एंड यूजर अगर ज़्यादा हो तो बेटर है मार्केट के लिए, क्योंकि इन्वेस्टर और रिटर्न देखना, फिर देखना कि वक्त अच्छा है और बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा तो चलो रिफंड मांग लो, हमको एंड यूजर ही चाहिए। तो अब आपको क्या लगता है कि 2018 अगर मैं एक ब्रॉडर पिक्चर देखूं तो क्या मार्केट रेट्स कम होंगे, होम बायर के लिए कोई ऑप्शन बनेगी, या मार्केट अभी भी उसी स्टेज पे रहेगा, या अगले साल हम रिकवरी देखने को मिलेगी? बिल्कुल कम नहीं होंगे रेट, आपको मैं बता दूं आज की तारीख में जो रेट हैं इतने रैशनल हैं, इतने कम हैं, इससे कम अगर होंगे तो आप बैंक्रप्सी और NPAs की बात कर रहे हैं, नहीं कम होंगे। और कोई डेवलपर इस वक्त कम करने की हिम्मत भी नहीं रखता, क्योंकि अगर कम करेगा तो बैंक का लोन कहाँ से देगा, ब्याज कहाँ से देगा जो इतनी देर से वो खड़ा हुआ है लेके अपना इन्वेंट्री। जैसे मेरा लास्ट सवाल होगा कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस को लेकर हमेशा एक सिंगल विंडो क्लियरेंस की मांग उठती रही है, लेकिन इन्वायरमेंट क्लियरेंस को लेकर भी कई इश्यूज अब सामने आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि क्या ऐसे इश्यूज है जिसके लिए एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और अब वो जो काम करना चाह रहे हैं वो भी तक हो ही नहीं पा रहा? एनवायरमेंट में जो भी कायदे नियम जो भी करना है दैट वी आर कमिटेड टू डू एवरीथिंग, एक भी चीज़ हमको उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, वो आप पहले समझ लीजिए क्रेडाई की तरफ से। लेकिन पहले आपने प्लान पास में 40 परमिशन एंड 140 टेबल्स, उसके पहले रेवेन्यू, उसके पहले नॉन एग्रीकल्चर, उसके बाद रेरा में एक का एक फिर से दूसरी बार, फिर आप हमको ले जा रहे हैं एनवायरमेंट में। हमारा ये कहना है एक ही साथ सब पूरा करो, हम जब प्लानिंग परमिशन में जाए वहीं सब देख लें, आपको 50 चीज नहीं 100 चीज़ मांग ले, ज़्यादा 2 चीज़ मांगो लेकिन वही ख़त्म करो। जी मीडिया से बातचीत करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे गीतांबर आनंद और जैक्से शाह, जिन्होंने ये बताया कि सरकार एक तरफ कोशिश तो पूरी कर रही है लेकिन दूसरी तरफ डेवलपर भी चाह रहे हैं कि जो काम होना चाहिए लेकिन उसमें जो विल पावर है उसकी अभी भी काफ़ी कमी है, और जो एग्जीक्यूशन है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। तो थोड़ा सा समय चाहिए, एक बार बैठेंगे, सरकार भी बैठेगी, डेवलपर्स भी बैठेंगे, तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। तो प्रॉपर्टी प्लस के आज के एपिसोड में बस इतना ही, अगले हफ्ते होगी आपसे फिर मुलाकात प्रॉपर्टी बाजार की ढेर सारी अपडेट्स के साथ। तब तक आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा।